very good morning to all. A good thought start with a good day, the positive attitude. So today's thought is, mistakes are proof that you are right. Means, mistakes is baat ka proof hai ki hum koshish kar rahe hain. Jo koshish nahi karte unse galtiyan hi nahi hoti. तो मीन्स गलती हो रही है उससे गिव अप नहीं करना, घबराना नहीं है. वो ये प्रूव करता है कि आप एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो. तो टू विद दिस थॉट लेट्स स्टार्ट आवर मैथ्स चैप्टर, न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, फ्रैक्शंस. टेक आउट योर मैथ्स बुक मैथ्स नाउ एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर फ्रैक्शंस. व्हाट इज फ्रैक्शंस? फ्रैक्शन होता क्या है? सी, 13, 7, 21, चैप्टर नंबर 5, फ्रैक्शन. सी, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. होल का ही पार्ट होता है फ्रैक्शन. इज अ पार्ट ऑफ होल. दैट्स व्हाई फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन होल. जो होल पार्ट होता है उससे हमेशा छोटा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ केक. I divide into 4 equal part. 1 is shaded. Shaded part is 1/4. तो ये जो part है ये बाकी part से छोटा है. तो हमेशा fraction part जो है वो 4 part से छोटा होता है. क्यों होता है? क्योंकि fraction is a division. और जहाँ पे divide होता है तो वहाँ minus है. Because as we all know, division is a repeated subtraction. तो इसीलिए ये इस तरह से होता है. Fraction is having having numerator as well as denominator. Fraction का numerator भी होता है और denominator भी होता है. अब numerator और denominator क्या होता है? See, 2/7. This is numerator and this one is denominator. The part which is above the line is known as the numerator and the part which is below the line is known as the denominator. इतना समझ में आया? Fraction is a part of whole. Fraction is always less than whole. Fraction is having numerator as well as denominator. The part which is above the line is known as the numerator and the part which is below the line is known as the denominator. ठीक है? Let's learn टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. बच्चों दीज आर द बेसिक. आपको ये लर्न करना पड़ेगा मतलब अच्छे से तो फ्रैक्शन ईजी हो जाएगा. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. First one is proper fraction. Proper fraction वो fraction होते हैं जिसमें numerator denominator से छोटा होता है. In which numerator is less than the denominator. In which numerator is less than the denominator. For example, 2/5, 5/7, 3/4. So these are the proper fraction and so on. Improper fraction. Proper order in which
numerator is greater than denominator. For example, 7/5, 3/2, 9/4, and so on. तो जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है. नाउ मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें होल पार्ट के साथ फ्रैक्शनल पार्ट होता है. ठीक है, हम हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ से 7/5, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 को 5 से. हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. 5 × 5 − 2. अब देखो इसको इम्प्रॉपर में, इसको मिक्स में कैसे चेंज करेंगे, ये जो होल पार्ट यानी क्वेश्चन पार्ट है इसको साइड में लिखेंगे. रिमाइंडर शुड बी एट द न्यूमरेटर एंड डिवाइडर शुड बी एट द डिनोमिनेटर. 1/2/5. तो वी ऑलवेज कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन. आफ्टर दिस एक बार दोबारा समझा देती हूँ. प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. और मिक्स फ्रैक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ होल पार्ट एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट. वी ऑलवेज कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन. चलिए स्टार्ट विद द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन. Like fractions are those fractions in which denominator are same. Like fractions are those fractions in which denominator are same. 7/5, 2/5, 4/5, 6/5. तो 5/5 आ रहा है तो ये like fraction है. Unlike fraction जो like नहीं होते ये भी कह सकते हैं, या फिर जहाँ पर denominator same नहीं है. 2/3, 1/2, 6/4, 5/7, तो these are the unlike fraction. Unlike fraction. ठीक है, इतना समझ में आया. And next one is unit fraction. Unit fraction are those in which the unit number one is there as a numerator. 1/5, 1/4, 1/7, 1/2, 1/3. जहाँ पर numerator में one है वो unit fraction. Is it clear? इतना समझ में आया? Now, comparison of fraction. हम fractions को compare कैसे करते हैं? ये तो अभी बताया, जितने बताए थे वो types of fraction थे. अब next topic is comparison of fraction. One upon two and 4/5. तो इसमें हम कंपेयर कैसे करेंगे, बिकॉज फ्रैक्शन है. अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है. अगर न्यूमरेटर सेम होता तभी भी हम कंपेयर कर सकते थे कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई 1/5 and 4/2. 5 and 4 is 8.
1 upon 2 is less than 4 upon 5. Because 5 is from 5 is less than 8 or 8 is greater than 5. इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज लाइट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड क्या है, लाइट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, 1 अपॉन 2 एंड 4 अपॉन 5, 2 एंड 5 का एलसीएम लिया, टेन आया। लास्ट चैप्टर में हमने एलसीएम पढ़ाया था कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 1 अपॉन 2 देखो, 10 जो LCM आया उसको 2 से डिवाइड करा, 5 आया, तो 5 upon 5 10। और यहाँ पर वो 4 upon 5, 10 को 5 से डिवाइड करा, 2 आया, तो 2 upon 8 upon 10। अब देखो 5 upon 10 और 8 upon 10 में विच वन इज ग्रेटर, यहाँ लिख रही हूँ 8 upon 10 इज ग्रेटर देन 5 upon 10। और वी कैन से 4 upon 5 is greater than 1 upon 2. ये दो मेथड है जिसको हम जिससे हम कंपैरिजन करते हैं फ्रैक्शन का। आपको ये याद रखना है, ये जो ये वाला जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई बन रहा है, टू फ्रैक्शन को कंपैरेटिवली करते हैं। लेकिन जो ये लाइट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला मेथड है जिसमें डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, ये हमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में भी हेल्प करता है। सो this is the explanation video of concept of fractions, and in my next video we will do the exercise work. Till then